प्री बजट बैठकों का दौर लगातार शुरू हो चुका है। स्टेट बजट की तैयारियों में प्रदेश की कांग्रेस सरकार जुटी है। टैक्स एडवाइजरी कमेटी की बैठक लगातार जारी है और सीएमओ में कमेटी की बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बैठक ली और प्रदेश के कई कारोबारी संगठन इस बैठक में मौजूद रहे। मंत्री बीडी कल्ला, प्रसादी लाल मीणा और मुख्य सचिव डीपी गुप्ता इस बैठक में मौजूद रहे। सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका सहित कई विभागीय अधिकारी गण भी मौजूद रहे। बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पर व्यापारियों से सुझाव ले रहे हैं। सभी आमंत्रित व्यापारिक संगठनों ने अपने अपने सुझाव पत्र तैयार किए। प्रदेश में व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाने की मांग की गई और साथ ही स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलिंग बनाने की भी मांग की गई। रिको जो कि एक औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर जमीन की दर कम करने की लेकर अभी इस बैठक में सुझाव दिया गया। उद्योगों को बिजली सस्ती देने के सुझाव भी इस बैठक में देखने को मिले। सीएमओ में लगातार बैठक जारी है सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में और कई सारे सुझाव इस बैठक में व्यापारी संगठनों की ओर से निकलकर सामने आए। लगातार प्री बजट बैठकों का दौर अब शुरू हो चुका है और इसी के तहत आज बैठक बुलाई गई। सीएमओ में स्टेट बजट की तैयारियों को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार जुटी है। टैक्स एडवाइजरी कमेटी की बैठक लगातार जारी है और सीएमओ में यह बैठक सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में चल रही है। इस बैठक में व्यापारिक संगठनों को आमंत्रित किया गया जिससे कि उनके सुझाव को बजट में शामिल किया जा सके। इस बैठक में मंत्री बीडी कल्ला, प्रसादी लाल मीणा और मुख्य सचिव डीपी गुप्ता भी मौजूद रहे। वहीं सीएम प्रमुख के सचिव कुलदीप रांका सहित कई विभागीय अधिकारी गण भी इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पर व्यापारियों के सुझाव लेना चाहते थे और इसी के तहत सभी व्यापारी संगठनों को इस बैठक में आमंत्रित किया गया जिनसे उनके सुझावों को बजट में शामिल किया जा सके।